नमस्कार दोस्तों, सीपीसीटी जनवरी 2023 के लिए हमारी जो बैच है विमर्श बैच, वो हमने कल से शुरू यानी कि 14 तारीख से हमने शुरू कर दी है क्लास। और कल हमने हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस वाली जो क्लास थी वो अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ली थी। तो जैसे कल हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया थ्योरी के बेस पे, आज हमने उसके एमसीक्यू की बात कही थी, तो उसी श्रेणी में हम आज उसके एमसीक्यू आपके सामने लेकर आए हैं। तो देखिए, विभिन्न तरह के यहाँ पे लगभग लगभग 70 एमसीक्यू हैं। तो एक ही चैप्टर से यदि आप 70 प्रश्नों को हल कर देंगे, उत्तर भी आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। 70 प्रश्नों को यदि हम किसी चैप्टर के अंदर हल करते हैं तो यकीनन जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो उस चैप्टर को लेके बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये पूरा पीडीएफ बिल्कुल एकदम श्योर हूँ मैं कि इसका एक एक शब्द बिल्कुल एकदम सही है, कहीं भी कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, क्योंकि ये रेफरेंस मैंने एक बुक से लिया है। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कंप्यूटर के किस भाग द्वारा आंकड़ों की प्रोसेसिंग की जाती है? तो सबको पता है कि बहुत बेसिक सा ये क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग द्वारा प्रोसेसिंग की जाती है। तो कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है उसके द्वारा प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसर को हम लोग सीपीयू के नाम से भी जानते हैं, है ना। प्रोसेसर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा जो क्वेश्चन आगे आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? मैंने आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़ाई थी, उनमें सीपीयू के बारे में जिक्र अभी हमने नहीं किया है, क्योंकि सीपीयू अपने आप में पूरा एक चैप्टर है। हमने सिर्फ बेसिक इनपुट डिवाइस और बेसिक आउटपुट डिवाइसों के बारे में पढ़ा था। जैसे कि कल हमने प्रिंटर को भी छोड़ दिया, क्योंकि प्रिंटर मैं नहीं चाहता कि 5-10 मिनट में आपको कंप्लीट करवा दूँ, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट जाए। प्रिंटर लगभग आधे घंटे का एक चैप्टर है, वैसे ही सीपीयू भी लगभग अपने आप में आधे घंटे का एक चैप्टर है। चलिए, तो सीपीयू से संबंधित हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? ALU, मेमोरी, कंट्रोल इकाई यानी कि कंट्रोल यूनिट, या फिर डिस्क ड्राइव। तो हम सबको पता है कि जो सीपीयू होता है वो तीन भागों में डिवाइड होता है। ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा हो जाएगा मेमोरी, और तीसरा हो जाता है CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। डिस्क ड्राइव उसमें कहीं भी नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कंप्यूटर को आंकड़े या आदेश देने के लिए किस प्रकार की यूनिट का प्रयोग किया जाता है? देखिए, मैंने आपसे कल बात की थी कि यदि हमें कंप्यूटर को कुछ देना है तो हम किस यूनिट का प्रयोग करेंगे। बात हो रही है यहाँ पे देने की। तो यदि हमें कंप्यूटर को कुछ देना है तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे इनपुट यूनिट की। किसकी बात हो जाएगी? इनपुट यूनिट की। ये जो पहले के 3-4 क्वेश्चन है सिर्फ इन्हीं में आंसर टिक किए हुए, बाकी किसी में आंसर टिक नहीं है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोसेस किए जाने वाला समस्त डेटा और उसको प्रोसेस करने के लिए आवश्यक निर्देश किससे प्राप्त होते हैं? देखिए, जब तक आपका डेटा कंप्यूटर के अंदर ही नहीं जाएगा तो वो प्रोसेस कैसे होगा? तो जितने भी इनपुट यूनिट हैं हमारी, उनके द्वारा जो डाटा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो जो डेटा होता है कंप्यूटर के अंदर वो क्या होता है? संख्या होती है, चिन्ह होते हैं, या फिर दी गई सूचना यानी कि दी गई इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर चिन्ह व संख्या की संख्यात्मक सूचना को। तो देखिए, डेटा किसी भी रूप में हो सकता है, चिन्ह के रूप में भी हो सकता है और संख्या के रूप में भी हो सकता है। तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। छठा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सिक्स नंबर हमसे क्या कह रहा है? सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी है जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है? तो यहाँ पे हमने बात कर ली थी कली। देखिए, उसका काम क्या क्या है यहाँ पे, कि वो डेटा को स्वीकार यानी कि डेटा को एक्सेप्ट भी कर रही है, प्रोसेस भी कर रही है और आउटपुट प्रोड्यूस भी कर रही है, भविष्य में प्रयोग आने वाले परिणाम को स्टोर भी करती है। तो इन इतनी सारी जो चीज़ें अगर हम मिला के बात करें तो ये सारी चीज़ें सिर्फ पाई जाती हैं किसमें? कंप्यूटर के अंदर ही पाई जाती हैं। इनपुट भी करना है उसका काम है, आउटपुट करना भी उसी का काम है, और डेटा को स्टोर रखना भी उसी का काम है, साथ ही उसको प्रोसेस भी कंप्यूटर ही करता है। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं।
डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या हो जाएगा? डेटा का संग्रहण, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना या फिर गणना कार्य करना। तो देखिए देखिए यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग की अगर हम लोग बात कर लें तो वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना ही डेटा प्रोसेसिंग का मतलब है। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो देखिए सूचना हो या इन्फॉर्मेशन हो, सभी को पता है कि डेटा को कहा जाता है या फिर संख्याओं को कहा जाता है या फिर चिन्ह को कहा जाता है या फिर प्रोसेस्ड डेटा को कहा जाता है। देखिए कंप्यूटर को जब हम डेटा देते हैं तो हम उसको किसी भी प्रकार का डेटा दे सकते हैं, कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करके उसको इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। तो प्रोसेस किया हुआ जो डेटा होता है वो क्या कहलाता है? इन्फॉर्मेशन हमारा कहलाता है। इस तरह के डीपली क्वेश्चनों को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप इनके आंसर दे पाएंगे। बेसिकली कहने में तो देखिए इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है कि सूचना किसे कहते हैं, इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं, पर जब तक आपको उसका मतलब नहीं पता होगा तब तक आपको वो इजी क्वेश्चन भी कठिन लगेगा। चलिए नवा क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। नवा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। जो मनुष्य यानी कि जो ह्यूमन होता है, होमोसेपियंस, उसकी स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। कैसी होती है? सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है या फिर औसत होती है? तो सबको पता है कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर की तुलना में हम लोग सामान्य हैं। चलिए दसवां क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डेस्क को प्रोसेस करना और इसी इन्फॉर्मेशन और उसे इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना है। तो सही बात है कि कंप्यूटर किसको प्रोसेस करता है? डेटा को प्रोसेस करता है और उसे इन्फॉर्मेशन में तब्दील कर देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, डेटा। ग्यारहवां क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर के चार कार्य हैं। कंप्यूटर के चार कार्य कौन कौन से हैं? थोड़ा इसका आकार बड़ा कर लेते हैं। कंप्यूटर के चार कार्य कौन कौन से हैं? पहला देख लेते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट या स्टोरेज, लर्निंग थिंकिंग। तो लर्निंग थिंकिंग तो कंप्यूटर का काम है ही नहीं, ये कट गया। डेटा इन्फॉर्मेशन, बिट्स और बाइट्स देख लेते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडलिंग या ऑपरेशंस। तो इनमें से जो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा 11वें का, वो हो जाएगा इनपुट यानी कि हमने उसे दिया, प्रोसेसिंग यानी कि कंप्यूटर ने खुद ने क्या किया, प्रोसेस कर लिया, और आउटपुट हमें आउटपुट दे दिया और अपने अंदर स्टोर भी कर लिया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। 12वां हम लोग देख लेते हैं। 12वां हमसे क्या कह रहा है? इंस्ट्रक्शन का समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है कहलाता है। हार्डवेयर, लॉजिक यूनिट, प्रोग्राम या फिर सीपीयू। देखिए इंस्ट्रक्शन का समूह, इंस्ट्रक्शन का जो समूह होता है बेसिकली उसको कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? जो भी सूचनाओं का जो समूह होता है, इन्फॉर्मेशन या फिर इंस्ट्रक्शन का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर को क्या कहता है, निर्देशित करता है, उसको क्या कहा जाएगा? तो 12वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोग्राम हो जाएगा। लेकिन इसी से संबंधित एक और शब्द होता है जिसको कहा जाता है प्रोटोकॉल। क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल भी इंस्ट्रक्शन का एक समूह ही होता है। चलिए 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सीपीयू तथा पेरीफेरल के मध्य कम्युनिकेशन लाइन को कहते हैं। सीपीयू तथा पेरीफेरल डिवाइस जो होती हैं उनके मध्य कम्युनिकेशन की जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं? बस कहते हैं, मीडिया कहते हैं, लाइन कहते हैं या फिर ये सभी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बस। ये चलिए वैसे तो ये नेटवर्किंग डिवाइस से आने वाला क्वेश्चन है पर यहाँ भी आ गया इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य कौन करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जो सभी कार्य होते हैं वो कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर करता है, एलयू करता है, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट करता है या फिर मदरबोर्ड करता है? तो इसके जो सारे काम होते हैं वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर करता है, यानी कि सीपीयू के जितने काम होते हैं वो कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर। बेसिकली इसका काम क्या होता है? किसी डाटा को प्रोसेस करना होता है, तो सारा काम कौन करेगा? प्रोसेसर ही करेगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर की शक्ति किस में मापी जाती है? गति एवं मेमोरी में, कीमत एवं वजन में, आकार एवं वजन में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 15 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गति एवं मेमोरी में। चलिए 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? यह पहली डिवाइस थी जिसे मानव ने गणना करने के लिए बनाया। कौन सी डिवाइस थी? लूम थी, अबेकस थी, बोन्स थी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैंने आपको बताया था कि पहला जो गणना यंत्र था वो अबेकस था और इसको बनाने वाला हमारा पड़ोसी पाकिस्तान था। चलिए 17वां देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेपियर्स बोन्स का आविष्कार हुआ।
नेपियर बोन्स का जो आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था? तो ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, अलग भी है, तो इसका आंसर लिख लो 1617। ये जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, आराम से इसके क्वेश्चन आंसर की आप प्रैक्टिस कर लेना, लिख लेना उनको आप भी, जो आपकी नोटबुक है उसमें आप लोग लिख लीजिएगा। जितना आप ज़्यादा डाटा अपने पास स्टोर करेंगे उतना आपका फ़ायदा हो जाएगा। जॉन नेपियर वाला भी है ना, जॉन नेपियर भी हम देख लेंगे। जॉन नेपियर ने गणनाओं की लघु गुणक विधि का आविष्कार कब किया था? तो जॉन नेपियर ने जो आविष्कार किया था वो इसने किया था 1617 में किया था। वही नेपियर बोन्स और जॉन नेपियर एक ही बात है। चलिए, बुनाई मशीन में किसके द्वारा डिज़ाइन के पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर की जब हम पढ़ेंगे पीडीएफ वहाँ पे भी हमें इसका कहीं ना कहीं यूज़ हमें मिलेगा, पंच कार्ड का यूज़ हमें मिलेगा। तो चलिए, चार ऑप्शन है आपके 1900 में, देख लीजिए आपको राइट आंसर कौन सा यहाँ पे लग रहा है। तो 1900 में जो पहला हमारा ऑप्शन है वो क्या कह रहा है हमसे? किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने किया था, हरमन हॉलेरिथ ने किया था, जेकार्ड लूम ने किया था, या फिर चार्ल्स वेबर्ज ने किया था। तो जब भी हम कहीं पे जाते हैं, जैसे कुछ ऐसी फेमस जगहें होती हैं जहाँ पे कपड़ों का जो काम है वो हाथ से किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर लेते हैं अशोक नगर वालों की, या फिर हम लोग बात कर लेते हैं खरगोन वालों की, या फिर धार वालों की। तो इनके यहाँ जो कपड़े बनते हैं, जैसे धार की साड़ियाँ बनती हैं, बाघ प्रिंट धार में फेमस है, अशोक नगर में जाएँ तो चंदेरी में साड़ियाँ फेमस है, महेश्वर की साड़ियाँ फेमस है खरगोन में। तो ये हैंडलूम साड़ियाँ होती हैं, ये हाथ से बनने वाली होती हैं। तो देखिए, बात यहाँ पे किसकी की जा रही है? बुनाई की, और यहाँ पे जेकार्ट लूम, तो हैंड में लूम जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं बुनाई से संबंध किसका हो जाएगा? लूम से हो जाएगा। चलिए, 1900 क्वेश्चन, अब हम लोग 1900 हो गया हमारा, 20वें पे आ जाते हैं। हालांकि ये कंप्यूटर से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन भी हो सकता है, जीके भी इसको आप बोल सकते हैं। चलिए, 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा बेबेज का आविष्कार है, यानी कि चार्ल्स बेबेज का आविष्कार निम्न में से कौन सा है? फटाफट क्वेश्चन करते चलते हैं। पास्कलाइन, एनालिटिकल इंजन, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब ऐसी कंडीशन फंस जाती है तो ज़्यादातर जो आंसर होता है वो यही होता है कि ए और बी दोनों। यहाँ पे देख लेते हैं हमारा राइट आंसर कौन सा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर यहाँ पे तो ये नहीं है, एनालिटिकल इंजन का जो आविष्कार है वो चार्ल्स बेबेज ने कहा, बेबेज ने किया था, और चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है। 21वां देख लेते हैं, विश्व का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो विश्व का पहला प्रोग्रामर पास्कल को, बेबेज को, एडा को, या फिर हॉलरिथ को माना जाता है। तो 21 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एडा को पहला प्रोग्रामर माना जाता है। हालांकि ये एडा उनका जो है पूरा नाम नहीं है, पूरा नाम जिसको भी याद है कमेंट में करके बताइए, पता चले आप लोगों को कितना नॉलेज है। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉट 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 विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था, यानी कि पहला पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? एनिक था, मार्क वन था, यूनिवेक वन था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन सीबीएसईटी भी कई बार पूछ चुका है कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मार्क वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्क वन हो जाएगा। फिर आपको ये बताना है कि एनियक क्या था। अगर पहला स्वचालित पूर्ण विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र मार्क वन है तो फिर एनियक क्या है? चलिए, 23वां देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का या के गुण हैं? क्या है? गति, विश्वसनीयता, शुद्धता, या फिर ये सभी। तो मेरे हिसाब से तो ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, है ना? गति भी है, विश्वसनीयता भी, और शुद्धता भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये सभी। 24वां देख लेते हैं, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास डॉट 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 ने किया था। किसने किया था बुनियादी संरचना का विकास? जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था, ब्लेज पास्कल ने किया था, या फिर गार्डन मुरे ने किया था। तो 24वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन कौन सा हो जाएगा? 24वें का जॉन वॉन न्यूमैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां देख लेते हैं, पीडी से भी क्वेश्चन यहीं पे है हमारे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में डॉट 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 का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। किसका? असेंबली लैंग्वेज का, मशीनी भाषा का, सोर्स कोड का, या फिर ऑब्जेक्ट कोड का। तो फर्स्ट जनरेशन की बात है तो मशीनी भाषा का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। 2600 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अभी तक कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियाँ अस्तित्व में आ चुकी हैं?
तो कंप्यूटर की अभी तक कितनी 5 पीढ़ियाँ आ चुकी हैं। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता था। थर्ड जनरेशन की बात की जा रही है, तो थर्ड जनरेशन में क्या आ गया था हमारा, ये सारी चीज़ें हम वैसे बेसिकली हम कल पढ़ने वाले हैं, पर उसके जो ऑब्जेक्ट हैं, आप ये चैप्टर में ऑब्जेक्ट दिए हुए थे तो इनको हम हटा नहीं सकते थे। हमने सिर्फ इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़ी, तो जितना अगर हमें कोई चीज़ ज़्यादा मिल रही है तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि कल हम इस चीज़ को पढ़ लेंगे, तो कल भी हम दूसरे एमसीक्यू लगाएंगे, पीढ़ी से संबंधित क्वेश्चन हम लगाएंगे, तो वहाँ हमें ये चीज़ें सारी काम आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए 27वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है, एकीकृत परिपथ, ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन चिप या फिर वैक्यूम ट्यूब। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया जाता था किसका, एकीकृत परिपथ का। माइक्रोचिप का प्रयोग कब से शुरू हुआ, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन या फिर फिफ्थ जनरेशन। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन, है ना, फोर्थ जनरेशन से माइक्रोचिप का यूज़ होना स्टार्ट हो गया। 29वां है, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता था। तो फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें उपयोग किया जाता था किसका, डेटाबेस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ऑनलाइन सिस्टम का, इंजीनियरिंग डिज़ाइन का। तो 29 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। जो फिफ्थ जनरेशन के यानी कि 5G जो कंप्यूटर अभी हमारे बन रहे हैं 5वीं पीढ़ी के। चलिए इनपुट आउटपुट से भी क्वेश्चन आ गया। 30वां, वे कंप्यूटर जिनमें इनपुट तथा आउटपुट गुणवाचक सूचना के रूप में होते हैं कहलाते हैं। देखिए कितना घूम गया, सिंपल सा क्वेश्चन भी कितना घूम गया। वे कंप्यूटर जिनमें इनपुट तथा आउटपुट गुणवाचक सूचना के रूप में होते हैं कहलाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या फिर ये सभी। तो ये जितने भी कंप्यूटर के प्रकार हैं, कंप्यूटर के प्रकार अभी हमें पढ़ना है, कंप्यूटर की जनरेशन जब हम पढ़ेंगे तो कंप्यूटर के प्रकार भी पढ़ेंगे, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर एनालॉग कंप्यूटर। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर हो जाएगा। चलिए एनालॉग और डिजिटल से अगला क्वेश्चन है, एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर के विशेषताओं के संयुक्त रूप को कहते हैं। एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर की जो विशेषता होती हैं उसका जो संयुक्त रूप होता है उसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएगा वो, डिजिटल कहलाएगा, एनालॉग कहलाएगा या फिर सुपर कंप्यूटर कहलाएगा। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, हाइब्रिड हो जाएगा। आकार के अनुसार सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी हमारे रह गए हैं। तो 33 पे हम लोग आ जाते हैं, इनमें से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन हैं अभी हमारा चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस पर एक बार और अच्छे से पढ़ाई करने के बाद एक बार और अच्छे से इनके क्वेश्चन के डाउट जो हैं वो हम क्लियर कर लेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इतना पढ़ाया नहीं पर आप क्वेश्चन इतने सारे करवा रहे हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, नहीं बन पा रहा कोई दिक्कत नहीं, कल चैप्टर पढ़ लेंगे हम, उसके बाद बनाना तब बनेंगे। इनमें से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर नहीं है, तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, HP 9000 या फिर होम कंप्यूटर या फिर पेंटेनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 34वां देख लेते, 34 हमसे क्या कह रहा है, निम्न में से किस कंप्यूटर की गति सबसे तीव्र होती है, तो बताने की जरूरत नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो सबसे तेज होती है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर सबको पता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, परम हो जाएगा। कंप्यूटर के भौतिक अंगों को क्या कहा जाता है, कल मैंने आपको बताया था कि जिन चीज़ों को हम स्पर्श कर सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। दो या दो से अधिक फाइलों को चुनने के लिए कौन सी की को दबाना पड़ता है, कंट्रोल को, शिफ्ट को, ऑल्ट को या फिर टैब को। तो जब हमें दो या दो से अधिक चीज़ों को चूज़ करना है तो नॉर्मल सी बात है किसको प्रेस करते हैं हम लोग, 37 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल। आप कंट्रोल को दबा दीजिए और फिर माउस से दो तीन चीज़ें, 5 10 जितनी भी चीज़ों को आपको चुनना हो आप कर सकते हैं। देखिए कल हमने जब कीबोर्ड हम पढ़ रहे थे, क्वेटी कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियाँ होती हैं, कुंजियों से मतलब है कितनी की उसमें होती हैं, 108 होती हैं, 105 होती हैं, 104 होती हैं या फिर 106 होती हैं। तो काउंट कर लीजिएगा राइट आंसर इसका क्या निकलेगा, 104। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 104 हो जाएगा। निम्नलिखित में से संयोजन कुंजी किसे कहते हैं, संयोजन का मतलब जिनको दो कुंजियों को एक साथ दबाने पे वो काम करती हैं,
ऑल्ट हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, एंटर हो जाएगी या फिर पेज अप हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि एक संयोजन कुंजी कौन सी हमारी शिफ्ट कुंजी होती है। निम्न में से कौन सा कर्सर कंट्रोल कुंजी नहीं है? देखिए कर्सर कंट्रोल कुंजी वो चार जो की हमने बताई थी ऊपर नीचे दाएं बाएं नीचे वाली जो थी ना वही कर्सर कुंजी हमारी होती हैं। तो इसका राइट आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। 40वीं का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा, एंड हो जाएगा, पेज मूव हो जाएगा या फिर पेज डाउन हो जाएगा। तो पेज मूव इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से था कि आप आपके कीबोर्ड को ध्यान से देखना, उसमें जो होम की जो है हमारी और जो एंड कुंजी है, पेज अप है और पेज डाउन है, चारों कुंजियां भी हमारी कर्सर कंट्रोल कुंजियां हैं, उन पे एरो भी बने हुए हैं, है ना। वहाँ पे तो पेज मूव की कोई कुंजी ही नहीं है। 41 देख लेते हैं। स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए विंडोज़ कुंजी का प्रयोग किया जाता है, टैब का प्रयोग किया जाता है, एंटर का किया जाता है या फिर कंट्रोल का किया जाता है। तो यदि हमें स्टार्ट मेन्यू खोलना है तो हम लोग प्रयोग करेंगे किस किस की का, तो विंडो की का हमें यूज़ करना पड़ेगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है? चारों पांचों जितनी पॉइंटिंग डिवाइस थी कल आपको मैंने पढ़ा दी हैं। माउस है, कीबोर्ड है, बारकोड रीडर है या फिर स्कैनर है? तो माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, ये सारी क्या हो जाएंगी हमारी पॉइंटिंग डिवाइस हो जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। 43 निम्न में से कौन सा स्कैनर का प्रकार नहीं है? स्कैनर मैंने आपको बताया था कि तीन प्रकार के स्कैनर होते हैं, जब अभी हम इनको और डिटेल में पढ़ लेंगे। स्कैनर में तो यहाँ पे देखिए हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, फ्लैट बेड स्कैनर होता है या फिर ड्रम स्कैनर होता है, या फिर ये सभी स्कैनर का प्रकार हैं। बात की जा रही है 43 क्वेश्चन की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। कल किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, तो प्लॉटर मैंने उसको बता दिए थे, ड्रम प्लॉटर होता है और एक फ्लैट बेड प्लॉटर भी होता है। वैसे के वैसे फ्लैट बेड स्कैनर भी होता है और ड्रम स्कैनर भी होता है, एक प्रकार और बढ़ जाता है, कौन सा, हैंड हेल्ड स्कैनर। तो तीन प्रकार लिख लीजिए, क्वेश्चन आपका सीपीसीटी में आ जाएगा। कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलने के लिए प्रायः किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? कल ही पढ़ा हमने, किसका, जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। चलिए 45 परिणाम को प्रस्तुत करने के लिए कौन सी डिवाइस प्रयुक्त की जाती है? यदि हमें परिणाम को प्रस्तुत करना है तो आउटपुट राइट आंसर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 45 का क्या हो जाएगा, आउटपुट राइट आंसर हो जाएगा। बात की जा रही है प्रस्तुत यानी हमें दिखाने की। 46 निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति आउटपुट श्रेणी की नहीं है? कौन सी युक्ति नहीं है? आउटपुट की बात की जा रही है, मॉनिटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, हेडफोन आउटपुट है, ठीक है। स्कैनर, स्कैनर तो इनपुट में आ जाती है, नहीं होगा तो स्कैनर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो हेडफोन है हमारे, कल मैंने आपको बताया था कि हेडफोन जो है इनपुट और आउटपुट दोनों है, तो ये एक विवादित क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों में आते हैं, पर कुछ बुक हैं वो जो ये मानती है कि हेडफोन जो है वो आउटपुट में ही आते हैं, आउटपुट जो डिवाइस होती है उसी में हेडफोन का यूज़ किया जाता है। 47 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले, प्रोजेक्टर, प्रिंटर और ये हो जाएगा क्या हमारा, स्कैनर या फिर वीडियो कैमरा? तो अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर इसका प्रोजेक्टर हो जाएगा। देखिए प्रोजेक्टर अस्थायी आउटपुट कैसे, कि जब तक आप इससे कार्य करना चाहते हैं तब तक ही उस पर्दे पे आपको चित्र दिखाई देंगे, अन्यथा नहीं दिखाई देंगे। चलिए इसके आगे देख लेते हैं कितने क्वेश्चन अभी हमारे और बच गए हैं। 47 अभी हमने किए हैं, लगभग 70 क्वेश्चन अभी हमें करने हैं। तो ये हमारा लास्ट पेज है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आराम से लिख लेना, आराम से इसके आंसर भी आप लोग टिक कर लेना, जो आपको उचित लगे कर लेना। चलिए दो कलर्ड पिक्सल के विकर्णों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? डॉट पिच, रिफ्रेश रेट, रेजोल्यूशन या फिर पिक्सल्स? पिक्सल्स रेजोल्यूशन से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, सीबीसीटी में एक या दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से टपक ही आते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डॉट पिच। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉट पिच। लेजर प्रिंटर क्या है? प्रिंटर अभी हमने पढ़ा नहीं, फिर हम देख लेंगे लेजर प्रिंटर को, पर ठीक है फिर भी देख लीजिए। तो लेजर प्रिंटर जो होता है वो एक पेज प्रिंटर होता है, क्योंकि एक बार में पूरा पेज प्रिंट कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रिंटर द्वारा किस प्रकार का आउटपुट छापा जाता है? पत्र, रिपोर्ट आदि, ग्राफ चार्ट आदि, लिफाफे या पते या फिर ये सभी? तो ये सभी छाप देता है ना प्रिंटर, पत्र भी छाप देता है, ग्राफ भी छाप देता है, चार्ट भी, लिफाफे, सब कुछ प्रिंटर हमारा छाप देता है। आगे देखिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है?
तो डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब क्या होता है, बिंदु होता है, नहीं तो बिंदु इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 51, डॉट यानी बिंदु। 52, फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पे कौन सा प्रिंटर कार्य करता है, तो फोटोकॉपी मशीन के जो सिद्धांत होता है उस पर कार्य करता है हमारा 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेज़र प्रिंटर हो जाएगा, क्योंकि फोटोकॉपी भी एक बार में पूरा पेज प्रिंट कर देती है और लेज़र प्रिंटर भी एक बार में पूरा पेज प्रिंट कर देता है। चलिए आगे देख लेते हैं, 53 को हम लोग देख लेते हैं, रोम में उपस्थित प्रोग्राम कहलाते हैं बायोस, यूनिट, रैम या फिर प्रोसेसर। बात किसकी हो रही है, रोम की हो रही है, मेमोरी से क्वेश्चन है ये, अभी हम पढ़ेंगे, मेमोरी भी पढ़ लेंगे, बायोस इसका राइट आंसर वैसे यहाँ पे हो जाएगा। चलिए मेमोरी के जितने क्वेश्चन हैं उनको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्किप मार देते हैं, हालांकि आपको इनको लिखना है सभी को, क्वेश्चंस जितने मिले जहाँ से मिले सारे क्वेश्चन आपको लिखने ही हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं मिल पाते हैं बच्चों को कि सर हम पढ़े तो कौन से क्वेश्चन आखिर पढ़े, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे मेमोरी से हैं। निम्न में से कौन सी मेमोरी सीपीयू का भाग नहीं होती है, रैम, रोम, कैशे या फिर सहायक। सबको पता है कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहायक, एक सहायक मेमोरी सीपीयू का भाग नहीं होती है। एक बाइट में कुल कितने बिट्स होते हैं, जब सीपीसीटी वाला बहुत ज़्यादा खुश होता है अपने घर वालों से, अपनी वाइफ से, तो वो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे डाल देता है कि एक बाइट में कुल कितने बिट्स होते हैं, एक निबल बराबर कितने बिट्स होते हैं, माउस किस तरह की डिवाइस है ना, इस तरह के क्वेश्चन वो डाल देता है। और जिस दिन उसके घर से लड़ाई करके आता है वो, उस दिन वो अजीब अजीब से क्वेश्चन एग्जाम में देने लगता है। सीपीयू में उपस्थित आंतरिक मेमोरी वास्तव में है क्या है, रजिस्टर्स का समूह है, एलयू का समूह है या फिर माइक्रो प्रोसेसर बस है। 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रजिस्टर्स का समूह है, क्या है, सीपीयू में उपस्थित आंतरिक मेमोरी। 66 को हम लोग देख लेते हैं, बिट्स का एक समूह जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को करने को कहता है कहलाता है। देखिए इंस्ट्रक्शन कोड कहलाएगा, माइक्रो ऑपरेशंस कहलाएगा, एक्यूमुलेटर कहलाएगा या फिर रजिस्टर कहलाएगा। तो 66 का जो राइट आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा इंस्ट्रक्शन कोड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन कोड हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को कहते हैं, सिस्टम यूनिट का जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं या फिर रैम कहते हैं। तो जो मेन सर्किट बोर्ड होता है जहाँ पर जितने भी यूएसबी पिन है हमारी है ना, प्रिंटर की हो, माउस की हो, कीबोर्ड की हो, ये सारी चीज़ें, रैम हो, रोम हो, ये सारी चीज़ें जो हमारी लगती हैं वो कहाँ लगती हैं, मदरबोर्ड पे ही लगती है। तो मेन सर्किट बोर्ड हमारा क्या कहलाएगा, मदरबोर्ड ही कहलाएगा। ये जब हम सीपीयू पढ़ेंगे तो उसमें सारी मदरबोर्ड को हम क्लियर कर लेंगे। चलिए 68 भी मदरबोर्ड से, ये मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट्स को कहते हैं, तो सबको पता होने क्या कहते हैं, स्लॉट्स कहते हैं, सॉकेट्स कहते हैं, पोर्ट्स कहते हैं या फिर लाइन्स कहते हैं। तो चिप के लिए जो कनेक्शन पॉइंट हम रखते हैं मदरबोर्ड पर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें सॉकेट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें सॉकेट्स कहते हैं। 69 देख लेते हैं, प्रोसेसर का प्रमुख कार्य है डेटा को प्रोसेस करना है ना, डेटा स्टोरेज करना होता है, डेटा प्रोसेसिंग होता है, डेटा संपीड़न होता है, संपीडिंग होता है या फिर डेटा की राइटिंग होता है। सबको पता है कि प्रोसेसर का काम क्या होता है, प्रोसेस करना ही होता है। 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 70 और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करती है, क्या करती है, प्रोसेसर, केस, स्टाइल या फिर कंप्यूटर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रोसेसर हो जाएगा, प्रोसेस की बात होती तो प्रोसेसर ही राइट आंसर उसका होता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम कल एक नए टॉपिक के साथ, कल हम लोग जनरेशन कंप्यूटर की जितनी थी वो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रिंटर पे आ जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेलीग्राम ग्रुप में आपको PDF मिल जाएगा, सुरक्षित रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।